हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज जो टीएनपीएल का मैच खेला जाने वाला है रूबी वर्सेस लाइका के बीच में। तो आज मैं आपको एक ऐसा गेंदबाज बताने वाला हूँ जो आपको अकेले के दम पे जो है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों ही विन करवा सकता है। उन पर बहुत कम लोगों की नज़र गई है अभी तक, और अगर आपको पता करना है वो गेंदबाज कौन है तो आप पूरा वीडियो देखें, और आपको मैं आखिर में बता दूंगा कि वो गेंदबाज आपको कैसे जिता सकता है और क्या है वो, और उनको क्यों बाकी लोगों ने लिया नहीं है और क्यों उनको बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, तो मैं बता दूंगा आपको। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दो। तो बात करेंगे रूबी वर्सेस लाइका की टीम की, तो देखते हैं ये टीएनपीएल का मैच है तो देखेंगे क्या हो सकती है ड्रीम न्यूज़। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप चाहते हो जितना ज़रूर जीतोगे, पर आप अगर सही टीम और सही न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर जीतोगे इस मैच में। तो बता दूँ रवि कुमार रोहित को आप ले सकते हो। फिर बता दूँ मनी भारती को मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो 7 और 8 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए कुछ खास प्लेयर नहीं है स्मॉल लीग में, तो इसीलिए इनका हमारे लीग में कुछ काम नहीं है स्मॉल लीग में, तो इसीलिए मैंने इनको लिया नहीं है। और रवि कुमार जो आपको 5 नंबर या 6 नंबर पे बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने रवि कुमार को ले रखा है। तो आप भी इन्हीं को ले अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो, अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो किसी भी चांस ले सकते हो। फिर आपको बता दो विजय कुमार के बारे में, आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये आज का मैच खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे, पर मैं बता दूँ आपको ये आज का मैच नहीं खेलेंगे, ये इंग्लैंड दौरे पे चले गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इनको ड्रॉप कर दे अगर आपने लिया होगा तो। फिर बता दो आपके लिए अभिनव मुकंद हो सकते हैं अच्छे ऑप्शन, बाबा इंद्रजीत आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन में, सुरेश कुमार को आप ले सकते हो जो इस टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में। फिर बता दो भारत शंकर को भी आप ले सकते हो। फिर बता दो सुरेश कुमार को आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी रख सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप रख सकते हो। फिर भरत शंकर, फिर अश्विन यादव को भी आप ले सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। फिर बाद अक्की श्रीनाथन को आप ले सकते हो जो बहुत अच्छे बैट्समैन है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। फिर नीचे आपके लिए जो ऑप्शन होगा वो अरविंद का है जो आपके लिए ग्रैंड लीग में आप ले सकते हो। फिर फॉल को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो लाइका की टीम की तरफ से। फिर नीचे कुछ खास ऑप्शन है नहीं, इनको खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो इनका लेने का कुछ फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनको मत लेना। फिर देख लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो बता दो आपको दास जो है वो मैंने उनको लिया नहीं है, दास को इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि ये जो है हिटर है और अगर टीम को अगर रन की ज़रूरत है तो इनको 3 नंबर पे प्रमोट किया जाता है, अगर टीम को ज़रूरत नहीं रन की तो इनको भेजा नहीं जाता जल्दी, और अच्छे खासे गेंदबाज भी नहीं है, 2 से 3 ओवर करते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको नहीं लिया है। उससे अच्छा हमारे पास जो गणपति जो ऑप्शन है वो अच्छे है, जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट भी लेते और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर ली थी, तो इसलिए मैंने गणपति को लिया है। और शाहरुख खान के बारे में तो आपको पता है, 1st नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं, दुबेदार बैटिंग कर देते हैं और जो है अच्छे खासे फॉर्म में भी है और 2 से 3 ओवर डाल भी लेते हैं, तो इसलिए मैंने जो आपको 2 ऑप्शन दिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ किसी को लेना है यहाँ पे तो सोनी यादव को ले सकते हो आप, नहीं तो राजेश को आप ले सकते हो, यहाँ से बैटिंग सेक्शन में कुछ चेंज करके आप राजेश को ले सकते हो, ये दोनों आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में। और बता दो आपको अभी बॉलिंग सेक्शन में, तो मैं जो बोल रहा था वो गेंदबाज मैं आपको बता देता हूँ वो कौन है वो गेंदबाज, तो देख लो आप दक्षिणामूर्ति, जो दक्षिणामूर्ति है इसको आप ले सकते हो क्योंकि ये जो है अगर आपने पिछले टीएनपीएल के मैचेस फॉलो किए होंगे तो आपको इनके बारे में पता होगा, तो अगर आप इनको लेना चाहो मेरे भरोसे पे तो ले सकते हो, आपको ये इस मैच में 100% खेलते नज़र आ जाएंगे, और बता दो आपको ये अकेले के दम पर ही स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों विन करवा सकते हैं, तो आप अगर इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। आपको पता नहीं होगा इनके बारे में तो मैं बता देता हूँ कि ये टीएनपीएल पिछले साल भी खेल चुके हैं और बहुत अच्छे खेलते भी है, तो अगर इनको बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे गेंदबाज है, और मैंने कुछ न्यूज़ भी निकाली है तो इस हिसाब से मैं बता दूं आपको, पिछले इनके दो पॉइंट किए हुए पिछले मैच में इन्होंने 4 पूरे ओवर किए थे और 28 या 27 रन दिए थे, तो आपको बता दूं बहुत कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, और इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको ले सकते हो और अच्छे खासे गेंदबाज भी है। फिर आपको विघ्नेश को ले सकते हो, कनन विघ्नेश को। फिर बता दूं अजीत राम को आप ले सकते हो। फिर बता दूँ और ऑप्शन के बारे में आपके लिए संजय एम संजय। फिर बता दूँ नटराजन भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर कृष्णमूर्ति भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं।
इन ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। फिर बात करेंगे लक्ष्मी की, लक्ष्मी को भी आप ले सकते हो, फिर राजा को भी आप ले सकते हो, इन सभी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप दक्षिण मूर्ति के साथ भी जा सकते हो, और ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ये भी इनके साथ जा सकते हो। आपके लिए बता दो, आपके लिए एक फैक्टर साबित हो सकते हैं इस मैच में ये। तो देख लेते हैं क्या हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू। तो बात करेंगे अभी टीम के प्रीव्यू की। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देख लेता हूँ अभी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैंने शाहरुख को रखा है, जो फर्स्ट नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। फिर मैंने इंद्रजीत को रखा है, आपको अगर चेंज करना है तो सुरेश कुमार को चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाबा इंद्रजीत को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है बाबा इंद्रजीत, पर मैं अगर अगर आप मेरे हिसाब से मत रखिए, अपने अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रखे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कैप्टन वाइस कैप्टन रखे वही आप भी रख दें, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।